नमस्ते, मेरा नाम है रचित पवार और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 84 कैंपस है ये। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से और जा रहा हूँ मैं MCA डिपार्टमेंट की तरफ। तो आपको मैं वीडियो में दिखाते रहूँगा कि कैसे MCA डिपार्टमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा क्या होता है और सब कुछ। तो इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इसके जस्ट बगल में हमारा CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं हमारा MCA डिपार्टमेंट। और यहाँ पे BTech की लाइब्रेरी है, तो BTech वाले बच्चे जितने भी होते हैं वो सब यहाँ आते हैं और यहाँ से बुक लेते हैं। बाकी यहाँ पे डीन सर बैठते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के, और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, आई गेस BTech के स्टूडेंट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। बेसिकली ये MCA का डिपार्टमेंट है, बट इसे पूरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बना दिया गया है। स्टार्टिंग में आते ही नोटिस बोर्ड, ओके। यहाँ पे पहले वो था, ये है YP डायवानी सर का रूम, हेड है वो PS नेगी, प्रीतम सिंह नेगी और प्रदीप माल जी का रूम। इसके अलावा क्लासरूम नंबर 2 जहाँ हमारी क्लास हुई थी, और हमारी क्लास के साथ ही वॉशरूम है मेंस का ही, और UPS रूम। UPS के बाद कंप्यूटर लैब 1, जो कि मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और कंप्यूटर लैब 1 के बाद हम चलते जा रहे हैं थोड़ा सा, और कंप्यूटर लैब 1 के बाद हमारा आता है कॉन्फ्रेंस हॉल, और कॉन्फ्रेंस हॉल के जस्ट बगल में आती है हमारी सीढ़ियाँ, स्टेयर्स। हम स्टेयर्स से चलते हैं, और स्टेयर से चलने के बाद हम पहुंचेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे, और ये है प्रीति और पूजा। बोलिए। ये है हमारा डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी जहाँ सर बैठते हैं, मिस्टर देवेंद्र कुमार। इसके बाद हम, ये पूरा डिपार्टमेंट है हमारा, और इसके बाद वॉशरूम है ही का। अभी ये तो शी का होना था ना, वहाँ पे ही का आया था, छोड़ मार गोली। और ये हमारी क्लास की दो सुंदर सुंदर कन्याएं, अब ये हंसेगी मुझे पता है, पर मैं हंसाऊंगा नहीं। ये क्या है, ये लैब है? अरे भयंकर, ये लैब है, रिसर्च लैब। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया। ऑफिस, स्टाफ रूम, नहीं नहीं जो उन्होंने बता रखा तो वहीं चलते हैं। और यहाँ से हम सीधा जाएंगे स्टेयर से, जबकि आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ है शिक्षा, नमस्ते, जो मेरे साथ खड़ी थी पुराने वाले ब्लॉग में। और तो क्या हुआ, खातून में ये है रिसर्च लैब। रिसर्च लैब में असाइनमेंट सबमिट करके आ गए हैं, और अब हम जाएंगे नीचे। इसे मैंने आपको दिखा दिया है, यही है MCA का डिपार्टमेंट। हाँ, लाइब्रेरी मैंने दिखा दी थी, पहले ही दिखा दी थी मैंने। ये है मथुरा प्रसाद थपलियाल सर, अभी थपलियाल। और ये है हमारी कंप्यूटर लैब, लैब नंबर 2। ये भी अच्छी लैब है, वो रिसर्च लैब थी और ये एक बेसिक्स लैब है। इसके बगल में है हमारा अगेन एक और नोटिस बोर्ड। तो ये है हमारा डिपार्टमेंट, ये रॉस हांसर का रूम,
ये हमारी स्टेयर्स, जैसे हम फिर से नीचे जाएंगे तो हम आ गए नीचे। ये है प्रदीप मॉल, प्रोग्रामर पीएस नेगी, प्रीतम सिंह नेगी, और ये हेड सर का, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हेड, पाई पी रायलानी सर का रूम। अच्छा है रूम, स्टडीज़ भी ठीक ठाक ही होती हैं, बाकी यूट्यूब यूनिवर्सिटी के भरोसे सब रहते हैं। बट आपको कैंपस घूमने आने हैं तो आइए, देखिए बहुत अच्छा कैंपस है आज। और इसके जस्ट बगल में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जस्ट बगल में है हमारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, तो ये है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिपार्टमेंट, जिसे हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। और इसके बगल में है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, जो चौरासकी लाइब्रेरी, और चौरासकी लाइब्रेरी के बदबुल में हमारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जस्ट बगल में हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ब्रांच। और ये एक अच्छा क्लाइमेट है। तो जैसे कि आपने देखा, ये था हमारा HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का MCA का अपना डिपार्टमेंट या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैंने आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में जो लाइब्रेरी है, BTech के CS और BTech के IT, BTech CS और BTech IT के बच्चे भी हमारी ही लाइब्रेरी से बुक्स लेते हैं। तो ये था हमारा MCA डिपार्टमेंट, और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा और कॉलेज को एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा ये सारी चीज़ें। तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा कदम है।